जय हिंद साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज आ गए हम खेत में अपने, पानी चला रहे हैं। देखिए कितना धूप हुआ है और धान, चूंकि धान हरा हो गया है और मतलब 15-20 दिन रोपनी किए हुए हो गया और हम लोग इसमें मतलब यूरिया खाद भी डाल दिए हैं, जिंक यूरिया सल्फर जो भी ज़रूरत हो। आप भी अगर आपके खेतों में अगर हरहरी आ गया है मतलब नमी हो तभी डालिएगा यूरिया और जिंक और सल्फर, और नमी नहीं होगा तो पानी आप भी चला दीजिएगा। देखिए इधर हमारे वहाँ पे हम पुसेट लगा है और सभी खेतों में लगभग तमाम किसान भाई लोग अपना, जिनके खेत में नमी नहीं है वो सभी लोग अपना पानी चला रहे हैं खेतों में आकर। उधर देखिए इधर भी पंप सेट लगा है तो इस नाते अभी पानी नहीं चलेगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रहा है और बारिश ना होने की वजह से अब किसानों को मतलब तमाम समस्याएँ झेलनी पड़ रही हैं। चूँकि डीजल भी महंगा है और महंगाई की बीमार वैसे भी किसान झेल रहे हैं, और डीजल महंगा होने के नाते और पानी चलाने में भी तमाम डीजल लग जा रहा है, और चूंकि मौसम बहुत गर्म है, बहुत धूप हो रहा है तो पानी भी बहुत समय तक चलाना पड़ रहा है, मशीन इंजन और डीजल ज़्यादा खपत हो रहा है तो इसके लेकिन क्या किया जाएगा। किसानी किए हैं तो कहीं ना कहीं पानी चलेगा, नहीं तभी दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए इधर बगल में खेत है, इसमें भी पानी चल, जो भी किसान हैं लोग पानी चलाए हैं लोग, और हम भी अपने खेत में भी पानी चला रहे हैं और खेत में ही हैं। और आप भी अगर आपके भी धान में मतलब नमी नहीं होगा तो आप भी मशीन ले जाकर पानी चला दीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। और जो भी मतलब चूँकि इतना भर्ती लग गया है तो कम से कम पानी चलाने में भी 2-4 सौ 5 सौ हज़ार रुपया जो खर्च हो रहा है तो उसको भी मतलब कर दीजिए, नहीं तो उसके नाते तमाम तरह की दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों पूरा सिवान एकदम हरा भरा हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है खेतों में आने पर। चूँकि किसानी जो दोस्तों अपने आप में एक तरह से उतना मुनाफा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मसंतुष्टि मिलता है, आत्मसम्मान और किसानों का जो है उसे अच्छा लगता है खेतों में काम करने में। लेकिन मौसम जब प्रकृति जब बेमौसम होने लगता है, और देखिए इधर बारिश की ज़रूरत है लेकिन बारिश नहीं हो रहा है, इसके नाते किसानों को तमाम तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। कितना देखिए हरा भरा खेत हो गया है, और पानी अगर समय समय से इसमें बारिश हुआ होता तो और बेहतरीन हुआ होता, तो इसी के नाते हम लोग पानी खेत में चला रहे हैं। और आप भी अगर आपके भी खेत में अगर पानी की कमी होगी तो पानी चला दीजिएगा, और यूरिया भी नहीं डालें खेत में तो पानी चलाकर यूरिया सल्फर और जिंक जरूर डाल दीजिएगा। इससे क्या होता है कि खेत में मतलब पोषक तत्व मिल जाते हैं और पौधा हरा भरा होता है, पौधे में मतलब मजबूती आ जाती है और अच्छा पैदावार होता है, अच्छा लाभ मिलता है कहीं ना कहीं पैदावार का। तो दोस्तों हमने आपको बताने का प्रयास किया कि अगर आपके खेत में भी नमी नहीं है तो पानी चला दीजिएगा, हम तो पानी चला ही रहे हैं, और यूरिया नहीं डाले हैं खेत में तो ज़रूर यूरिया डाल दीजिएगा पानी चलाने के बाद। तो आज के द्वारा हमारे द्वारा दी गई जानकारी या किसान भाइयों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और दोस्तों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय साथियों, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।